छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रायपुर के वॉलपोर्ट स्थित सेलटेक्स विभाग के डिप्टी कमिश्नर शंकरलाल अग्रवाल के घर पर छापेमारी की। इस छापेमारी में 5 मकानों के कागजात समेत लगभग 5 करोड़ की बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ है। हालांकि आरोपी शंकरलाल अग्रवाल ने दावा करते हुए कहा है कि उनकी संपत्ति का सारा ब्यौरा राज्य सरकार के पास है। तस्दीक में जो एसेट का पता चला है उसमें इनका लभांडी में कुछ जमीन है, इसके अलावा कचना में एक आवास है, अशोका रतन रायपुर में एक आवास है, नया राजधानी क्षेत्र में एक मकान है।